चौथी चीज दुश्मन को टाइम देना। कभी कभी ऐसा होता है कोई दुश्मन बनता मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या शरीर है उसकी दुश्मनी कुछ वक्त के साथ कम हो जाती है। जिंदगी में कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि वो दुश्मन आपका दोस्त बन जाता। कभी ऐसे हालात आते हैं कि उसको जरूरत पड़ती है आपकी, उसके बच्चे को एडमिशन लेना है और आप टीचर हैं स्कूल में, अब वो आपके बगैर काम नहीं हो रहा उसका, किसी ने बताया उनकी चलती है एडमिशन मिल सकता है, उनसे बात करो। शर्माते शर्माते आता दुश्मन तो है, लेकिन दे तो अगर नहीं दिया तो इसके बाद तो बहुत सताऊंगा इसको। आपने कहा ठीक है, आपके बच्चे को देखा, इसको तो मिल सकता है, एलिजिबल है, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, ठीक है मैं बात करता हूं स्कूल में। आपने करा दिया एडमिशन, अब वो शर्मिंदा हो जाता है, उसकी दुश्मनी उसको शर्मिंदा करती। अच्छा, इससे पहले आपका कुछ रिकॉर्ड नहीं उसके लिए, उसने कचरा डाला, आपने भी कचरा डाला, ऐसी हिस्ट्री नहीं है आपकी, उसने डाला कचरा, आपने नहीं डाला, तो अब आपके एहसान के साथ साथ आपका सब्र मिलके उस पर और बोझ बन जाता। अच्छा, दुश्मनी खत्म जब होती है तो पिछला रिकॉर्ड अगर खराब हो तो आप इंतजार करें, आज ये मेरा दुश्मन है, हो सकता है कल दोस्त बन जाए। दोस्त बनने के बाद जब दोनों साथ में बैठ के पिछले पास्ट पे बात करें तो मेरी गलत फाइल हाथ में नहीं आना चाहिए, क्या रे तूने ऐसा किया था मेरे साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दुश्मनी के दौर में ऐसा कोई गलत काम न करें कि वो दोस्त बनने के बाद आप शर्मिंदा हो। इंतजार करना चाहिए, हालात बदलते हैं जिंदगी में, दोस्त कई दोस्त दुश्मन बनते हैं और कई दुश्मन दोस्त बनते हैं, तो आदमी थोड़ा टाइम दे अपने दुश्मन को अल्टर होने के लिए, रीसेट होने के लिए, थोड़ा कंसिडर करने के लिए टाइम दे उसको। एकदम दुश्मनी की वफादारी के साथ निभाए नहीं, उसको टाइम दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबगिद बगिद कहौन मा असा अन यकून हबीबक यौमा मा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से भी मौकूफ़न आई है, क्या फरमाते हैं कि अपने दुश्मन से दुश्मनी निभाने में थोड़ा नरम रास्ता अपना, हो सकता है किसी दिन वो तेरा दोस्त बन जाए। अपने दुश्मन से दुश्मनी नफरत करने में थोड़ा नरमी बरत, एकदम पूरा फुल फ्लेज दुश्मन मत बन किसी का, पूरी वफादारी के साथ दुश्मनी में पूरी हदे पार मत कर, बल्कि दुश्मनी निभाने में भी क्या कर, ठीक है वो भी नाराज है, ये भी नाराज है, हो सकता है किसी दिन वो तेरा दोस्त बन जाए। तो इंतजार करना, आप जिंदगी में बहुत सारे दुश्मन दोस्त बनते हैं, आपके कई बने होंगे, ये हर इंसान का तजर्बा है कि कभी ना कभी दोनों के रास्ते ऐसी जगह मिलते हैं कि वो दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। तो गलत रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए हमारा कि हमने दुश्मनी के जमाने में जुल्म ज्यादती सरकशी धोखेबाजी की हो कि फिर दोस्ती हम करने में शर्माएं और वो भी पीछे हटे। तो दो ये भी है कि इंतजार आदमी करें, आज नहीं तो कल वो दोस्त बनेगा, ठीक है उस पर एहसानात करता चला जाए, उसके साथ भला सलूक करता चला जाए।